नमस्कार फरीदाबाद, मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें सेक्टर 22 में मौजूद है शमशान घाट के पास, और यहाँ पर एक बच्ची जो है इनको भूपेंद्र जी को एक बच्ची जो है यहाँ से जाती हुई दिखी। जब उन्होंने पूछा, नाम वगैरह पूछा, तो उसने नहीं बताया, और ऐसे में जो है इन्होंने मीडिया की सहायता ली ताकि अपने माँ बाप तक ये बच्ची पहुँच पाए, सही सलामत जो है बच्ची पहुँच पाए। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जी, कब मिली आपको बच्ची? ये हो गए अभी 15-20 मिनट हो गए हैं। तो ये इधर सामने सेक्टर 22 के का शमशान घाट तक है, उसी साइड से यहाँ पे लेफ्ट में लेन है, वहीं से चलते हुए आ रही थी। और हाँ, फिर यहाँ पर 2-3 लोगों ने मतलब देखा, मैंने थोड़ा सा कोई इसका पेरेंट हो साथ में, पर ये इधर अकेले चलते हुए आ रही थी। फिर हमने यहाँ पे रोक के इसको और अभी आपको कॉल किया है। रो रही थी क्या? नहीं, रो नहीं रही थी, बस ये ऐसी बात नहीं कर पा रही, अपना नाम नहीं बता पा रही। नाम नहीं बता पा रही, छोटी है, साल की बच्ची, गाय 3 साल की बच्ची है ये। अभी देख सकते हैं फरीदाबाद, अभी एक बार दिखा दें, छोटी बच्ची है और 2.5-3 साल की बच्ची है, और भूपेंद्र जी को मिली थी रास्ते में, और भूपेंद्र जी ने एक सराहनीय काम किया, मीडिया को कॉल किया ताकि बच्ची जो है अपने माँ बाप तक पहुँच चुके। अभी आते समय ये थक गई तो इनकी गोद में है, ये सो गई है। क्या नाम आपका? मोहिनी। मोहिनी जी, कौन सा एरिया पड़ता है, एक बार जगह बता दें, कैसे अगर किसी को, किसी का बच्चा है वो कैसे संपर्क करें? मच्छी मार्केट से सीधे की तरफ पड़ेगा। हाँ, 23 की तरफ जाने के लिए। हाँ, हनुमान मंदिर के आगे हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारा मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं। इसमें भी सूचना दी थी, 112 पे डायल किया था, और वहाँ से एक ऑटोमेटिक मैसेज आया था, तो वो मैसेज पे भी मैंने कॉल किया है, अभी तक तो कोई आया नहीं। कोई नहीं आया? भूपेंद्र जी ने 112 नंबर पे कॉल कर दिया है, और बच्ची देख सकते हैं, अभी एक बार दिखा दें बच्ची को, 2.5-3 साल की बच्ची है ये, 2.5-3 साल की बच्ची है, सेक्टर 22 में मौजूद है, और ये गुम हो चुकी है, अपने माँ बाप से जो है ये बिछड़ चुकी है। अब पता नहीं कि किसके साथ जा रही थी ये बच्ची, लेकिन अभी जो है ये बिछड़ चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें भूपेंद्र जी ने कॉल किया, 112 को भी कॉल कर चुके हैं, पुलिस को सूचना इन्होंने दे दी है। अब जिस किसी की ये बच्ची है वो आके सेक्टर 22 के हनुमान मंदिर के पास से, मेन रोड से ये ले जा सकते हैं। क्या कहेंगे भूपेंद्र जी सभी को? जी, मैं यही कहूँगा कि पेरेंट को कंसर्न रहना चाहिए, जिसकी भी बच्ची है उनको देखना चाहिए था कि बच्ची कहाँ जा रही है। इतना छोटा बच्चा अपने आप में वैसे ही नहीं बोल पाएगा, वो तो हमने देख लिया, तो पुलिस को तो अच्छा हुआ कि आपके हाथ लग गई। अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ लगती तो शायद हो सकता था कुछ गलती हो जाए बच्ची के साथ। बिल्कुल, जमाना ऐसे ही है, छोटा बच्चा कहाँ अपने आप में देख पाएगा। ये तो गुमसुम थी, वैसी अपने आप चली जा रही थी, कि कोई रास्ता थोड़ा पता इसको। पहले मैंने भी नोटिस किया था कि शायद कोई पेरेंट हो आसपास में, पर ये अपने आप ही चलती हुई इधर वहाँ से यहाँ तक, तो अपने आप ही पैदल आ रही है। दिखा दे आपको 2.5-3 साल की बच्ची, एक बार शक्ल दिखा दे। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने माँ बाप से ये बच्ची जो है मिल पाए। अभी ये सामने से आ रही थी, भूपेंद्र जी को मिली, फिर ये थक चुकी है, अब ये सो गई इनकी गोद में। और आपको बता दें हम सेक्टर 22 के यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोल पंप हमारे सामने पड़ता हैगा, ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप सामने ही है, और पटियाला बैंक के सामने जस्ट यहाँ पर ये बच्ची है। अगर किसी की भी ये बच्ची है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर एक चाय की दुकान है, यहाँ पर इनके पास सही सलामत जो है इनकी बच्ची है, और सही हाथों में बच्ची लगी ताकि इन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया, 112 नंबर पे कॉल किया है। अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी, बाकी जिस किसी की भी बच्ची हो हम तो यही अनुरोध करेंगे, आइए अपनी बच्ची को ले जाइए, जिस किसी की भी बच्ची है। हाँ, 112 नंबर, शायद गाड़ी आ चुकी है, खड़ी है वो शायद, हाँ आ चुकी है 112 नंबर, अभी 112 भी पहुंचने वाली है। भूपेंद्र जी ने 112 नंबर को कॉल किया था, और देख सकते हैं छोटी बच्ची, एक बार 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 हम शक्ल दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची अपने परिवार तक वापसी जा सके। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बच्ची जो अपने परिवार से बिछड़ गई है वो अपने परिवार तक जा सके। 2-2.5 साल की बच्ची है, और यहाँ पर एक राहगीर जा रहे थे, भूपेंद्र नाम है जिनका, उनको ये बच्ची जो है यहाँ पर मिली थी जाती हुई, तो उन्होंने जो है उस बच्ची को रोक लिया। अब इस समय आपको बता दें सेक्टर 22 के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चाय का खोखा है, यहाँ पर इनका घर है, और यहीं पर सही सलामत जो है बच्ची यहाँ पर मौजूद है। अच्छा है कि किसी
अच्छे इंसान के हाथ जो है ये बच्ची लगी, ताकि सही सलामत है। अगर किसी गलत आदमी के हाथ लगती तो इस बच्ची के साथ क्या होता, समझ सकते हैं फरीदाबाद, क्योंकि आज का जमाना बहुत खराब है। और ऐसे जमाने में समझे जो छोटी बच्ची सही सलामत जो है यहाँ पर तो मौजूद है, देख सकते हैं अभी इनके गोद में मौजूद है, क्योंकि थक चुकी है ये बच्ची और थक के ये इनकी गोद में सो गई है। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बच्ची सही सलामत अपने घर वापस अपने माँ बाप के पास जो है पहुँच जाए। अब उन माँ बाप से भी अनुरोध करेंगे कि अगर आपका बच्चा कहीं गुम हो गया है तो आप नियर बाय थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपका बच्चा है तो आप मुझे सर थाने में जाके संपर्क कर सकते हैं, सेक्टर 22 के जहां पर हम मौजूद हैं, पेट्रोल पंप नज़दीक में है, हनुमान मंदिर है, एक बार पीछे दिखा दें, हनुमान मंदिर सेक्टर 22 का हनुमान मंदिर नज़दीक है। और यहां पर एक बार दिखा दें, ये शंकर जी की बड़ी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति के पास ये बच्ची सही सलामत है, यहाँ पर लोगों को मिली है। और 2.5-3 साल की बच्ची है, ना ही अपना नाम बता रही है, ना ही उसको कुछ पता है, लेकिन और काले रंग की पजामी पहन रखी है। अच्छा, ये पजामी नहीं, ये ग्रे रंग की पजामी है, ये स्वेटर आपको बता दे, मेहरूम कलर का स्वेटर पहना हुआ है और ग्रे रंग की पजामी पहन रखी है। हाँ, और चमकीला सूट जो है इस बच्ची ने पहना हुआ है। हाँ, और गले में ये क्या है, गले में पता नहीं क्या है, गले में जो है इन्होंने काले धागे में कुछ पहना हुआ है इस बच्ची ने, देख सकते हैं फरीदाबाद। बाकी जो भी छोटी छोटी छोटे देख सके चप्पल ये है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये बच्ची अपने माँ बाप तक सही सलामत जो है वो पहुंच पाए। आप समझ सकते हैं फरीदाबाद, एक छोटी बच्ची जो है वो गुमशुदा हो गई है, अपने परिवार से बिछड़ गई है, किसी राहगिरी को, जो कि भूपेंद्र जी हैं यहाँ पर मौजूद, देख सकते हैं यहाँ पर इनको राहगिरी है, ये यहाँ से जा रहे थे तो उनको बच्ची यहाँ पर मिली, तब इन्होंने हमें कॉल किया, वॉइस ऑफ फरीदाबाद को कॉल किया, हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे। अब अपने फरीदाबाद वासियों से यही अपील कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बच्ची सही सलामत अपने परिवार तक पहुँच पाए, अपने परिवार से मिल पाए। अभी तक ये नाम नहीं बता पा रही है, 2.5 साल की बच्ची है, बता दें फरीदाबाद आपको, देख लें एक बार दिखा दें, इनकी गोद में थक के सो चुकी है, क्योंकि ये पैदल पैदल वहां से आ रही थी, थक के गोद में सो चुकी है। कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आई सर अभी आपके पास? अभी मैसेज आया है, 112 से कॉल आई है। 112 से कॉल आई है, देखिए 112 से अभी कॉल ही आई है, अभी कोई इनके पास भी खुद मैसेज नहीं है किसी थाने के, किसी की बच्ची गुमशुदा हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं फरीदाबाद, एक बार दिखा दें, शकल दिखा दें बच्ची की। जो भी दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बच्ची सही सलामत अपने घर पहुंच पाए। ये बच्ची को देख लीजिए, अभी ये थक के सो चुकी है। क्या कहेंगे भूपेंद्र जी, अंत में क्या कहेंगे सभी को? जी मैं तो ये अपील करूंगा, जिन जो पेरेंट्स है आके देख ले, अगर आपके माध्यम से पेरेंट्स मिल जाए बच्ची को तो इससे बड़ा क्या होगा। जो माँ बाप इतने लापरवाही करते हैं, बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब से ये अब ये कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ होगी या किसी के साथ भी हो, उनके लिए क्या कहेंगे? माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स बच्चों को देख क्या साथ में रखे, इतना छोटा बच्चा अपने आप तो चल के नहीं आ सकता। अगर उन्होंने कहीं अनदेखी करी है तभी तो ये बच्चा इतना दूर तक आ गया, अब पीछे से कहाँ से आ रही है ये भी नहीं पता। अरे वो मेरा भैया ही है, बच्ची को जानते हो? देख रहा हूँ। हाँ, इसको मैं जानता हूँ। कहाँ रहती है बाबू ये? कहाँ की? मैं घर के सामने। आपके घर के सामने रहती है? हाँ। कहाँ पे रहते हो आप? मच्छी मार्केट। मच्छी मार्केट, तो मम्मी पापा को बुलाओ इनको। ये बुला के ले आओ। देखिए एक छोटे बच्चे ने पहचाना है, छोटे बच्चे ने पहचाना है, इधर आओ इधर आओ, आप इधर आओ, एक जने जाओ और हाँ बुला के लाओ, आप जाओ एक मिनट जाओ। अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जानते हैं शायद इस बच्ची को, देख सकते हैं एक बार दिखा दें, शकल शकल दिखा दें बच्ची की, शकल दिखा दें। हाँ देखिए 112 मौके पर उनके घर लेकर जा रही है, बच्ची के घर लेके जा रही है, देखिए
बच्ची के घर लेके जा रही हैं। बाकी चले जाओ दीदी, आप साथ चले जाओ, साथ चले जाओ, है ना, साथ चले जाओ। इन छोटे छोटे बच्चों ने पहचान लिया कि कहाँ की ये बच्ची है, कह रहे मेरे घर के सामने रहती है। बाकी हम तो यही अनुरोध करेंगे, आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चों का हाथ पकड़ के रखें, ऐसे ना छोड़ें ताकि गुम ना हो जाए बच्चे। आप देख सकते हैं छोटी बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, मौके पर 112 पहुंची है, और यहाँ के राहगीरी जब यहाँ से जा रहे थे भूपेंद्र जी को यहाँ पर ये बच्ची मिली, तब उन्होंने 112 कॉल किया। अब मौके पर देख सकते हैं बच्ची को, अभी उन कुछ बच्चों ने पहचाना है, अब लेकर जा रहे हैं, उनके घर लेकर जा रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद ऐसी तमाम खबरों से। बहुत बहुत धन्यवाद।